वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास फोर्थ के लिए इब्तदाई उर्दू बुक से सबक नंबर 8 को पढ़ाऊंगी। एग्ज़ाम से मुतालिक पूरे ही चैप्टर की तैयारी करवाऊंगी, सभी क्वेश्चन आंसर, सभी ग्रामर लिखने बताऊंगी कि एग्ज़ाम में कैसे लिखोगे। तो चैनल की प्लेलिस्ट में आपको इस बुक के सभी चैप्टर्स मिल जाएंगे, आप वहाँ से जाकर देख लेना। पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबक नंबर 8 का नाम है किसान। तो पढ़ना स्टार्ट कर रही हूँ। सभी बच्चे इस तरफ ध्यान देंगे, ध्यान से सुनेंगे। हिंदुस्तान की असल पहचान गांव है। यहाँ की 70% आबादी गांव देहात में रहती है। ज़्यादातर लोगों का पेशा भी खेतीबाड़ी है। खेतीबाड़ी करने वाले लोग किसान कहलाते हैं। किसान अपना खून पसीना एक करके हमारे लिए अनाज पैदा करता है। वो साल भर खेती के काम में लगा रहता है और तरह तरह की फसलें उगाता है, जैसे कि गेहूँ, चावल, दालें, तिलहन, गन्ना, कपास, सब्जियाँ और फल फूल वगैरह। ये फसलें अलग अलग मौसमों में उगाई जाती हैं। चिलचिलाती धूप हो या रिमझिम बरसात या फिर कड़ाके की सर्दी, वो यानी कि किसान हर मौसम में अपने खेतों में काम करता है। फसल बोने से पहले किसान खेत की जुताई करता है। खेतों की जुताई के लिए किसान पुराने ज़माने से है हल बैल का इस्तेमाल करता आ रहा है, लेकिन अब वो ट्रैक्टर और नई मशीनों का इस्तेमाल भी करने लगा है। जुताई यानी कि ज़मीन को खोदा जाता है ताकि उसको मिट्टी को नरम बनाने के लिए, ताकि उसमें बीज डाले जा सके। पहले हल से की जाती थी जुताई, अब ट्रैक्टर के ज़रिए की जाती है। सिंचाई और निराई करता है। अच्छी पैदावार के लिए किसान अपने खेतों में खाद भी डालता है। फसल को कीड़े मकोड़ों से बचाने के लिए वो कीड़े मार दवाओं का इस्तेमाल करता है। सिंचाई, खाद और कीड़े मार दवाओं पर उसे काफ़ी पैसे खर्च करने पड़ते हैं। जब फसल तैयार हो जाती है तो वो उसकी कटाई करता है और इसमें से अनाज निकालता है। इसी की मेहनत से पैदा किए हुए अनाज से गांव और शहरों में रहने वालों की खुराक की ज़रूरतें पूरी होती हैं। किसान की वजह से ही हम खाना खा पाते हैं। किसान मवेशी भी पालता है, जैसे कि भेड़ बकरियां वगैरह, पालतू जानवर जैसे गाय, बैल, भैंस, बकरी और भेड़ वगैरह। मवेशियों से हमें दूध, गोश्त और खाले जैसी कारामद चीज़ें हासिल होती हैं। बैल और भैंसे से किसान हल जोतने, गाड़ी खींचने और बोझ ढोने का काम लेता है। किसान की ज़िंदगी बड़ी सादा होती है। उसका घर ज़्यादातर मिट्टी, खपरेल और फूस का बना होता है। वे मोटे छोटे कपड़े पहनता है। उसकी ज़िंदगी मेहनत और मशक्क़त से भरी होती है। कभी वक्त पर बारिश ना होने से उसकी फसलें सूख जाती हैं। कभी अच्छे बीज, खाद और सिंचाई की कमी की वजह से भी फसलों की पैदावार कम हो जाती है। इस तरह खेतीबाड़ी में जितनी पूंजी और मेहनत वो लगाता है, उसका फ़ायदा उसे पूरी तरह नहीं मिल पाता। उसे खेती के लिए साहूकारों और महाजनों से कर्ज लेना पड़ता है, लेकिन अच्छी पैदावार ना होने पर उसे कर्ज की अदायगी भी दुश्वारी हो जाती है, दुश्वार हो जाता है कर्ज देना अगर फसल अच्छी ना उगे तो, और वो कर्ज के बोझ तले दबता चला जाता है। अगरचे सरकार की तरफ से किसानों को सहूलियतें भी दी जाती हैं, जैसे कम कीमत पर बीज और खाद वगैरह की फराही में। सरकार सिंचाई के लिए नहरों के ज़रिए पानी और ट्यूबवेल चलाने के लिए बिजली भी मुहैया कराती है। किसानों को बैंक से कम सूद पर कर्ज की सहूलियतें भी हासिल हैं। इन सहूलियतों की वजह से किसानों की हालत में कुछ बेहतरी तो ज़रूर आई है, लेकिन सच ये है कि किसान जितनी मेहनत करता है उस हिसाब से उसे उसका सिला नहीं मिलता, फल नहीं मिलता। वो उतनी मशक्क़त के बावजूद खस्ता हाल की ज़िंदगी गुजारता है। हमें किसानों का शुक्रगुजार होना चाहिए कि वो इतनी परेशानी उठाकर हमारे लिए अनाज पैदा करते हैं। तो पूरा ही चैप्टर पढ़कर बता दिया है मैंने आपको। अब एग्ज़ाम में अल्फाज मायने भी आएंगे, तो अल्फाज मायने आपको हैंड टू हैंड लर्न करने हैं। याद करने का उर्दू में क्या तरीका अपनाना चाहिए सभी बच्चों को कि आपको लिख कर स्पेलिंग के साथ याद करना है। लिखकर स्पेलिंग के साथ याद करोगे तो जल्दी याद होगा और उर्दू भी स्ट्रांग हो जाएगी। तो पढ़कर बताती हूँ, हैंड टू हैंड लर्न करोगे। पेशा कहते हैं किसी ख़ास काम को, मखसूस काम को। सिंचाई यानी कि खेतों या दरख्तों और बागों में पानी देना। निराई का मतलब है खेत और बाग से घास फूस का, फालतू की घास फूस का निकालना। मवेशी कहते हैं जानवर, जैसे कि गाय, बैल, भैंस वगैरह को। मशक्क़त यानी कि कड़ी मेहनत। सैलाब कहते हैं बाढ़ को। साहूकार यानी कि कर्ज देने वाला। महाजन कहते हैं पैसे वाला या व्यापारी। सिला कहते हैं बदले को। खस्ता हाल कहते हैं बदहाली को।
अब इस सबक के टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर हैं, पढ़कर बताती हूँ कि एग्ज़ाम में आप किस तरह से लिखोगे। सवाल नंबर एक, हिंदुस्तान की असल पहचान क्या है? जवाब होगा, हिंदुस्तान की असल पहचान गांव है। सवाल दो, अच्छी पैदावार के लिए किसान को क्या करना पड़ता है? जवाब, अच्छी पैदावार के लिए किसान खाद कीड़े मार दवाओं का इस्तेमाल करता है और सिंचाई करता है। सवाल नंबर तीन, किसान की ज़िंदगी कैसी होती है? जवाब में लिखोगे, किसान की ज़िंदगी बड़ी सादा होती है, खेती करने के लिए उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। सवाल नंबर चार, सरकार की तरफ से किसानों को क्या सहूलियतें दी जा रही हैं? जवाब, सरकार की तरफ से किसानों को कम कीमत पर बीज, खाद, ट्यूबवेल, बिजली और कम सूद पर कर्ज की सहूलियतें दी जा रही हैं। स्क्रीनशॉट ले लेना, लिखना आसान रहेगा। अगला सवाल है, सबक में तीन मौसमों को जिक्र है, हर मौसम की एक एक ख़ास बात लिखो। सर्दी, सर्दी में हम ऊनी कपड़े पहनते हैं। गर्मी, गर्मी में बहुत तेज़ धूप निकलती है। बरसात, बरसात के मौसम में हरियाली होती है। अब एग्ज़ाम में आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा सेम इसी तरह से, इसे पढ़कर आपको कुछ क्वेश्चन के आंसर देने हैं, तो पढ़कर बताती हूँ। अच्छी पैदावार के लिए किसान अपने खेतों में खाद डालता है। फसल को कीड़े मकोड़ों से बचाने के लिए वो कीड़े मार दवाओं का इस्तेमाल करता है। सिंचाई, खाद और कीड़े मार दवाओं पर उसे काफ़ी पैसे खर्च करने पड़ते हैं। जब फसल तैयार हो जाती है तो वो उसकी कटाई करता है और उसमें से अनाज निकालता है। इसी की मेहनत से पैदा किए हुए अनाज से गांव और शहरों में रहने वालों की खुराक की ज़रूरतें पूरी होती हैं। तो मैंने आपको ये पूरा पैराग्राफ पढ़कर बताया है। सवाल जवाब है, सवाल नंबर एक, फसल को बचाने के लिए किसान क्या करता है? जवाब क्या लिखोगे? फसल को बचाने के लिए किसान कीड़े मार दवाओं का इस्तेमाल करता है। सवाल दो, किसान को काफ़ी पैसे क्यों खर्च करने पड़ते हैं? जवाब, सिंचाई, खाद, बीज और कीड़े मार दवाओं पर उसे काफ़ी पैसे खर्च करने पड़ते हैं। सवाल नंबर तीन, अच्छी फसल के लिए किसान क्या करता है? अच्छी फसल के लिए किसान अपने खेतों में खाद डालता है। सवाल चार, गांव और शहर में रहने वालों की खुराक की ज़रूरत कौन पूरी करता है? जवाब में लिखोगे, किसान की मेहनत से पैदा किए हुए अनाज से गांव और शहर में रहने वालों की खुराक की ज़रूरत पूरी होती है। अब इस चैप्टर के फिलअप्स हैं जो कि ऑलरेडी फिल हैं, पढ़कर सुनाती हूँ। हिंदुस्तान की असल पहचान गाँव है। खेती बाड़ी करने वाले लोग किसान कहलाते हैं। उसका घर ज़्यादातर मिट्टी, खपरेल और फूस का बना होता है। सरकार की तरफ से किसानों को सहूलियतें भी दी जाती हैं। अब इन लफ्ज़ों के आपको जुमले बनाने हैं। पहला लफ्ज़ है फसल, तो कीड़े मकोड़ों से फसल की हिफाजत करनी चाहिए। पेशा, सब लोगों का अलग अलग पेशा होता है। सैलाब, सैलाब से बहुत नुकसान होते हैं। सहूलत, शहरों में हर चीज़ की सहूलत होती है। सिला, नेकी का सिला अच्छा मिलता है। यहाँ पर काफ अलिफ का लिख देना, नेकी का सिला। पढ़िए, समझिए और लिखिए, नीचे दिए हुए जुमलों को पढ़ना है। फिरोज़ आम खा रहा है, इस जुमले में फिरोज़ क्या है? फिरोज़ एक लड़के का नाम है। इस जुमले में आम क्या है? आम एक फल का नाम है। अब एक और जुमले को देखिए, पिंजरे में एक तोता है। तोता एक परिंदे का नाम है। पिंजरा एक चीज़ का नाम है। तो किसी ख़ास जगह, ख़ास शख्स और ख़ास चीज़ के नाम को इसमें ख़ास कहते हैं। इसको इसमें मार्फा भी कहते हैं। किसी आम जगह, आम शख्स और आम चीज़ के नाम को, नाम से मुराद इसे इसमें आम कहते हैं, यानी कि इसे इसमें नकरा भी कहते हैं। तो नीचे दिए हुए लफ्ज़ों को सही खानों में लिखना है, इसमें नकरा और इसमें मार्फा। इसमें मार्फा में आपको ख़ास ख़ास चीज़ें लिखनी हैं और इसमें नकरा में आम चीज़ें लिखनी हैं। जैसे कि बरसात, सर्दी, ये ख़ास मौसमों के नाम हैं। गेहूँ ख़ास अनाज का नाम है। दाल, चावल, कपास, बिल, गन्ना, ट्रैक्टर, ये सभी ख़ास ख़ास चीज़ों के नाम हैं। अब आम चीज़ें क्या हैं यहाँ पर? बीज, कीड़े, फसल, क्योंकि फसलें बहुत सारी होती हैं, खेत बहुत सारे होते हैं, शहर बहुत सारे होते हैं, गांव बहुत सारे होते हैं, अनाज कई टाइप के होते हैं, किसान भी बहुत सारे होते हैं और दूध भी बिल्कुल आम चीज़ है। तो यहाँ पर सारी आम चीज़ें हैं, यहाँ पर ख़ास हैं। जैसे कि बरसात का मौसम ख़ास है, इस जैसा कोई और मौसम नहीं होता। ऐसे ही सर्दी का, गेहूँ सिर्फ गेहूँ ही कहलाता है, कोई और चीज़ तो नहीं कहलाती, तो ये ख़ास हो गए। ऐसे ही दाल, चावल, कपास, बिल, गन्ना, ट्रैक्टर, ये सब ख़ास चीज़ों के नाम हैं। अगला है, बाज़ अल्फाज तो लफ्ज़ों का मजमूआ होते हैं,
ऐसे अल्फाज को मरकब कहते हैं, जैसे कि चीखो पुकार। नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों को मिसाल के मुताबिक लिखना है, जैसे कि शोर शराबा, खेती बाड़ी, खून पसीना, कीड़े मकोड़े, मोटे झोटे, खाने पीने। नीचे दी हुई तस्वीरों पर दो दो जुमले लिखने हैं। किसान खेती बाड़ी करता है, किसान अपनी फसलों की कीड़े मकोड़ों से हिफाजत करता है। ट्रैक्टर, ट्रैक्टर खेती बाड़ी के काम आता है, ट्रैक्टर से खेती बाड़ी का काम जल्दी हो जाता है। आ, गांव में बैलगाड़ी का इस्तेमाल होता है, बैलगाड़ी को सवारी के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। हिंदुस्तान में बहुत से गांव हैं, गांव में खेती होती है। इन लफ्ज़ों को आवाज़ के साथ पढ़ना है, जैसे कि खेत, खेत कैसे लिखोगे, आड़ी लाइन डालोगे, इस लाइन पर से ऐसे वापस, फिर इस नोक पर से वापस, बीच की लाइन से वापस आकर ये बनाओगे और ते ऐसा गोलाई में। खे ये ते खेत, बीच बे ये और ये हो गया जिम, बे ये जिम बीच, बोझ बे वाओ पो, झे भी ऐसे बनेगा आड़ी लाइन डालकर, ऐसे करोगे दिल बना के बीच की लाइन से वापस। फसलें कैसे लिखोगे, देखो फे बनाओगे ऐसे चंदा सा स्वाद बनाओगे, ठीक, फे बनाकर ऐसे चंदा सा स्वाद वापस आ जाओगे। फिर ये लाम, ये के दो नुक्ते, कीमत बड़ा काफ, ये मीम ते ऐसे गोलाई में, कीमत देखो ते के ऐसे कोने नहीं बनाने हैं, ऐसे गोलाई में बनाना है।